देखिए जनाब, इस भारत न्यूज आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। नहटौर में कक्षा 3 की 8 वर्षीय छात्रा को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। छात्रा माँ के साथ जंगल जा रही थी। मृतक बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। बिजनौर के नहटौर के गांव मलकपुर गांव निवासी सुनीता पत्नी वीरेंद्र अपनी 8 वर्षीय बच्ची तानिया के साथ जंगल जा रही थी। बताया जाता है कि रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने मौका देखकर माँ के साथ जा रही बच्ची की गर्दन को मुंह में दबा कर ले गया। बच्ची की माँ ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े, जहाँ बच्ची रक्तरंजित हालत में पड़ी हुई थी। परिजन और ग्रामीण बच्ची को CHC लेकर पहुँचे, जहाँ चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। बच्ची की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिलन, क्या क्या हुआ, कैसी घटना हुई है? नहर पे गोद लेने के लिए आ रहे थे, सड़क पर उठा ले। किस टाइम की घटना है? या कोई 8 बजे। हाँ, 8 बजे। क्या नाम बच्ची का? तानिया। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो तुम साथ में थे बच्चे के? नहीं जी, मैं तो मालिक के काम पता ही आ रही थी। तुम्हारे साथ में थी बच्ची? हाँ। तो मतलब उठा ले गया? हाँ, नहर के पुल पर सड़क के किनारे आए, बस आया है इसे मारा, ले गया छीन गया और हट हट कर इतना गाँव वाला है, इतना खत्म कर दिया। गाँव रहने वाले हो तुम? मलकपुर। मलकपुर रहने वाले? जी, मलकपुर। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर।